तेज हो चुका है अचानक। ये जो छोटे छोटे अंगूर आप तमाम देख सकते हैं, अयूब क्लॉथ में जी आ गए हैं और अपने सारे जितने भी जी कपड़े हैं वो अयूब मिशन रोड से ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खैर माशाल्लाह चुप सत्रह का दायर मगर रुको जरा। वही 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 तो बारिश जी तेज हो चुका है अचानक। अचानक एक गली में जी रोक लिया है और छज्जे के नीचे जी आ गए हैं क्योंकि बारिश काफी तेज हो चुका है। और कुलचे लेने आए थे अली भाई ने, कुलचा भी जेब में रख लिया है, नहीं तो कुलचे का शोरवाई बन जाता। हमारा कुलचा बना दिया, जस्ट कुलचा छोड़ देते हम, कुलचे भी जी बुरा लिया। तो इस बारिश के मौसम में जी अली भाई ने कुलचे भी छुपा लिए हैं, नहीं तो कुलचों का नांतरी बन जाता था। और ऐसे तेज बारिश है जी और ये मेरे ख्याल से छत से पानी आ रहा है, तो अंदाजा कर लें जी किस तरह की तेज़ बारिश है जो छत से इस तरह का तेज़ पानी आ रहा है। और बारिश से बचने के लिए जी हम यहाँ चुके हैं, यहाँ पे खुशियों की तरह फुट हैं हम। ए यार माशाल्लाह और तेरी खैर। खाना खाना बाद हमने खाने के लिए ना खत मौसम मौसम गाड़ी की खबर, गाड़ी का मौसम और उसी बाइक पे निकल आए थे। हमने कहा चलते हैं चाय एंजॉय कर लेते हैं, मगर सडनली जो तेज़ बारिश हो चुका है तो इस तरह हमारा प्रोग्राम तकरीबन वैसे तो बड़ा नहीं, मगर ये थोड़ी मुश्किल का हमें सामना है। और बारिश से बचने के लिए जी अभी छज्जे के नीचे आ गए हैं। A few moments later. तुम कुलचर बोल के? कुलचे नहीं है यार मेरे पास। कुलचर है बस। यार देखो व्यूअर ने कुलचे लिया हुआ है। कुलचे है तुम और तरह आपको खाना बस। सब कम कुलचे है जी के सब पर बारिश गिर के पो। कुलचा और चाय का प्रोग्राम है लेकिन बारिश माशाल्लाह साथ दे रहा है हमारा, हमें जाने नहीं दे रहा है तो इसको मैं वापस इधर क्यों को दस्तक दो बोलो, हमारे पास कुलचा मौजूद है। चाय कुलचा तो नहीं मिलेगा डंडा घिने नहीं बोलो कुलचा हमारे पास है, आप खाली चाय दे दो यार। मुश्किल है ऑफर को एक्सेप्ट करे वाला बोलेगा पकड़ो यही है कुलचे कुलचे कुलचा हमारे लिए जो है ना नामसरी बनेगा कुलचा पर मोहम्मद ना कर वही बाबा। 12 seconds later प्रोग्राम फॉरवर्ड किया देनी नाली हम बंद कर दो वही बाबा ये जल्दी बोल किधर हो आसमानी पिछली में आया ये रहा सबसे हाल चाचा तो खुशा उड़ दी पूरा समंदर वापस बच्ची आला वाला दुनिया रे सैलाब गिरफ्तार। साइड 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 का साइड ना साइड अब ये कौन है बे? बंद हो गया खाली बोल दो बंद हो। हाँ बंद है यार बारिश आज बिल्कुल ज्यादा है आज कुलचा में, हम तुमको क्या बता रहे ये कुलचा तो 12 बजे से शुरू है शियाल सेठ 7 बजने वाले हैं। 2000 years later बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरज। नाज़रीन एक नए व्लॉग के साथ जी आप तमाम की खिदमत में हाजिर हैं। दो दिन बाद जी आप तमाम की खिदमत में हाजिर हैं। तो कल परसों वाला जी व्लॉग आपने तमाम देख लिया था जी बारिशों वाला,
और कैसी जी तूफानी बारिशें थी। तो बीच में जी दो दिन ब्लॉग नहीं बना सके तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अचानक जी सर्दी भी ऐसे हो चुकी है कि बंदा परेशान हो चुका है जी। मही शुरू होने वाला है और अप्रैल के आखिरी महीना है, इस तरह की सर्दी और सर्दी जो है वो जान ही नहीं छूट रहा। आज का व्लॉग जी बेसिकली है वो टच ही कर लेंगे उस पुराने वाले व्लॉग के साथ, क्योंकि मौका नहीं मिला तो आप सब इकट्ठे देख रहे होंगे। तो एक खुशखबरी है जी, हम जी इंशाल्लाह जा रहे हैं कई कल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो वो फिलहाल नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ और कितने दिन के लिए जा रहा हूँ। तो वो थोड़ा सरप्राइज रखेंगे वो आने वाले दिनों में, जो हमारे व्लॉग्स होंगे उसमें इंशाल्लाह आप देख लेंगे। तो फिलहाल उसी हवाले से मैंने जाना था जी, शॉपिंग करनी थी, एक और कपड़े लेने थे और पिशावरी चप्पल लेनी थी क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ, हम जा रहे हैं तो वहाँ पे जी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से तो बूट्स पे तो गुजारा नहीं होगा, तो चाले पड़ जाएंगे। तो मैंने कहा वो पिशावरी चप्पल भी ले लेते हैं और सीज़न भी आ चुका है, चलते हैं जी आपको आज ये व्लॉग दिखाते हैं। और साथ में एक और स्कूल फेलो आने वाले हैं, उनका छोटा सा काम था, उनका जी एक छोटा सा काम था, तो चलते हैं उसके काम को भी करते हैं और शॉपिंग वगैरह भी करते हैं और आपको आज का ये व्लॉग दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। साथ में आपके भाई ने जी दाढ़ी भी छोटी कर ली है, तो कमेंट्स में ये भी बताया कि इस तरह की छोटी दाढ़ी अच्छी लगती है आपके भाई के ऊपर या बड़ी हो जाए। ये सीन्स है जी, जैसा कि आप तमाम को बता दिया था, तो बाहर आ गए इंशाल्लाह जी, दरख्त किस तरह जी सब्ज़ हो चुके हैं और वो सामने वाले दरख्त भी जी आप चेक करें। तो सर्दियों में तो बेसिकली जी खुश्क और खाली था ये दरख्त भी और वो दरख्त भी, सामने वाले जितने भी जी बिल्डिंग्स थे वो इजीली नज़र आ जाते थे। ये है कि गर्मियों का भी ये फ़ायदा हो गया बाहर का कि जैसे ही ये दरख्त सब्ज हुए तो एक हिसाब से जी पर्दा भी हो चुका है, तो जो कि अच्छी बात है। कहते हैं जी के लेट हो रहे हैं या अली मदद, और साथ में जी कल या परसों जी वो मालिक को भी बुला लेंगे क्योंकि दरख्त जो है वो हमारे ख़राब हो रहे हैं बारिशों की वजह से, और जिस तरह के जो बारिश थे तो अल्लाह ही माफ़ करे, मुश्किल है कि अभी ये बचा भी हो, मगर फिर भी जो है वो कोशिश अपनी जारी रखेंगे क्योंकि जो है ये हमारे अंगूर का जो दरख्त है, ये जो छोटे छोटे अंगूर आप तमाम देख सकते हैं कि किस तरह जी अंगूर निकल चुके हैं। और मुझे तो जी कोई आइडिया नहीं दरख्तों के हवाले से, क्या है ये अभी ख़राब हो चुके हैं या है, मगर ये मालिक को बुलवा लेंगे तो उसका फील्ड है तो वो बेहतर जानता होगा जी। अगर कैमरे में सही तरह मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहा होगा छोटे छोटे अंगूर, तो हालिया तूफ़ानी बारिशों के बाद जी हमारे गार्डन की भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और ग्रास की जी ये हालत है, और यहाँ जो है कुछ अजीब ग्रास निकला है और यहाँ तकरीबन ख़त्म ही हो चुके हैं, वो मालिक को जो है वो लाजमी बुलाना पड़ेगा। साथ में कुछ ये फूल निकले हैं गुलाब के, तो ये मेरे ख्याल से जी होंगे पुराने, या फिर वालिद साहब ने जो उस दिन माली बुलवाया होगा उन्होंने शायद किश किया होगा, मगर ये कोई आइडिया नहीं, मगर होगा शायद पुराने होंगे। और कुछ गुलगुलाब जी यहाँ पे निकले हुए हैं और बाकी जी मुरझा चुके हैं गुलगुलाब, और ये तो जी निकले ही नहीं है। कंडीशन है जी गार्डन की, तो एनीवेज चलते हैं कि लेट हो रहे हैं, तो ये भी मैंने सर्वे भी कर लिया और आ तमाम को भी दिखा दिया, तो हमारे साथ रहिएगा आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। हम शाम करके आ भी गए थे और नाश्ता भी कर लिया है और अली भाई भी जी बैठे हैं, तो दोस्त को जी फारिग कर लिया, अभी अली भाई के साथ जाएंगे शॉपिंग कर लेंगे, तो आपको आगे के सीन्स दिखाते हैं। A few moments later. कपड़े लेने जी आ गए अली भाई के साथ और अभी कपड़े ले रहे थे। हाँ पर ये इधर से थोड़ा गंदा है, खैर वो साफ हो जाएगा ना। ओके फ्रेश दे देते हैं, मसला नहीं है। ये वही हिसाब से जो वालदे लेके गए, हाँ बिल्कुल। चलो 5 मीटर काट पे देख लेना, पटा मटा नहीं है, कुछ नहीं होगा इसमें वजह पैदा। अयूब क्लॉथ में जी आ गए हैं और अपने सारे जितने भी जी कपड़े हैं वो अयूब मिशन रोड से ले लेते हैं, और एक और ब्लैक जी वालदा और भाई लेके गए थे तो वो हमारे दूसरे भाई के नसीब में हो गया था, तो तभी मैंने जो है वो अपने लिए यहाँ से ले रहा हूँ जोड़ा। पाँच मीटर कर लेना, ठीक है। इसमें नॉर्मल बलोची बन जाएगा? बिल्कुल, असल बलोची मेरे ख्याल से 6 मीटर से बनता है ना, 7 मीटर में। तो किसी का अपना चॉइस होता है, वैसे तो नहीं यार, एक शलवार मैदान चौक से खुले दूसरा मरियाबाद शलवार उसको बोलते हैं, बुक्टी शलवार। चलो ये 5 कर लेना, ठीक है भाई। कपड़े भी जी ले लिए और अभी चलते हैं, बिल ऊपर दे देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई जान, चलते हैं जी, बिल भी दे देते हैं, देन चलते हैं पिशावरी चप्पल अपना ले लेते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। अरे खुशी देश में खिले
بخشی دی جائے گی یہ چیکو کلر جی پسند کر لیا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائز کا کون سا ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تیار شاپنگ وغیرہ کر لیا اور ابھی شاہ ولی ہوٹل آئے تھے علی بھائی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے، کابلی آرڈر دے دیا تھا اور بدقسمتی سے جی کابلی ختم کر لیا ہے، ابھی بغیر چاول کے جو ہے نا روسٹ لے کے آ گئے ہیں۔ اور یہ جی دوپہر کا ہمارا کھانا، علی بھائی سوختہ بہت کیا یار، چاول ختم کر لیا کابلی کھانے کی نیت سے، کابلی نیت ختم ہو گئی ہے، روز سے گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ کھانا ہے جی شاہ ولی ہوٹل کا، ابھی ڈوڈی چائے دوستا خالی، چاول تو ختم ہو گیا بھائی، لگتا ہے روٹی بھی ختم ہو گیا، یار یہ کیا ہو گیا، شاہ ولی ہوٹل کی سروس سارے زیرو ہو گئے۔ یہ کھانا کب سے پڑا ہے اور روٹی ہے نہیں، یہ صورتحال ہے شاہ ولی ہوٹل بھائی، رو چاول ہم نہیں ہے، نان ہم نہیں ہے، چکار کیا نہیں لیا، نان ہم نہیں ہے۔ نیلی دو گھنٹے بعد جی روٹی آ چکا ہے اور ابھی بسم اللہ کریں گے جی اپنا کھانا، کافی زیادہ ہی بھوک لگ رہی ہے، ٹرائی کرتے ہیں جی روسٹ کے ساتھ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے جی ہمارا روش، ساتھ میں لے لیتے ہیں جی دال، بولا جی خود چاول کھا، چاول چمندا تو یار چاول نہیں ہے اور پتہ نہیں یہ خفیہ راستوں سے کدھر چاول آ رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ کھانے کے لیے بھی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے کہ سفارش کرنے والے کچھ لے کر آئے، یار دیکھو سادہ سیدھا روش اور کباب سے گزارا کر رہے ہیں، اللہ یار ابھی اسی طرح گزارا کرے، بسیار سادہ نان ہے یار، بس غریبی آ گئی ہے، اتنا سادہ نان چاول نہیں مل رہا، بس اللہ پاک خود قبول فرمائے سادہ سے روٹی کے ساتھ۔ تو کھانا کھاتے ہیں دین بلاگ کو اینڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں، شاپنگ کر کے جی آ گئے ہیں اور کافی اچھا موسم بھی ہو چکا ہے اور تک بھی چکے ہیں اور بلاگ بھی کافی لمبا ہو چکا ہے، تو ملتے ہیں آپ تمام سے ایک نئے بلاگ تک، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور تعصب سے دور رہیں جی، تو اللہ حافظ و ناصر، درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، اللہ حافظ یا علی مدد۔